नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। रतनगढ़ में करोड़ों की सीवरेज योजना शहर के लिए जब स्वीकृत हुई तो लोगों ने खुशी का इजहार किया, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान बढ़ती जा रही अनियमितता के चलते जगह जगह लोग आक्रोश प्रकट करते हुए देखे जा रहे हैं। शहर के कई मोहल्लों में बेतरतीब सीवरेज कार्य होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही वाक्य मंगलवार की शाम शास्त्री नगर में मेहंदीपुर बालाजी धर्मशाला के पास हुआ। मेहंदीपुर बालाजी धर्मशाला से शास्त्री नगर चौक जाने वाली सड़क पर जगह जगह निर्माण सामग्री सड़क पर डाल दी गई तथा कई गलियों में सीवरेज कार्य के दौरान बरती गई अनियमितता के कारण नालियां अवरुद्ध होने से कीचड़ मुख्य रास्तों में फैल गया, जिससे दलदल जैसी स्थिति बन गई है। इस सड़क मार्ग पर सीवरेज कार्य में काम लिए जाने वाले आईसी चैम्बर बेतरतीब ढंग से रख दिए गए, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है। गिरधारी एवं मुरारी सारस्वत अपनी कार लेकर बाजार की तरफ जा रहा था कि निर्माण सामग्री सड़क पर पड़ी रहने की वजह से उसने बड़ी मशक्कत करके कार को निकाला ही था कि इतने में ही फुटपाथ पर रखा आईसी चैम्बर लुढ़क कर कार में आ गिरा, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई तथा अधिकारियों व जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे तथा अधिकारियों को खरी खरी सुनाई। घटना की वजह से लगभग 2 घंटे तक उक्त मार्ग अवरुद्ध रहा। उसके बाद कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने RUIDP के ACM PK झा को शास्त्री नगर क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से हुए सीवरेज कार्य को दिखाया, जिस पर संबंधित ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर अधिकारियों ने असंतोष जताते हुए रविवार तक मुख्य रास्तों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। LNT वालों का यह काम चल रहा है वार्ड के अंदर, उसके अंदर जो IC चैम्बर है वो एकदम ऐसे ही रख दिया और वो हवा से और चलती गाड़ी के अंदर आके और डैमेज कर दिए गाड़ी को। तो ये LNT की लापरवाही है। अधिकारियों को फोन करते हैं, अधिकारी सुनते नहीं है, मौके पर आते नहीं है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वार्ड के अंदर इतना घटिया तरीके से सड़क बन रही है, काम हो रहा है, कोई उनको चेक करने वाला नहीं है। अब इस गाड़ी को आपने देखा है, उसकी डैमेज हो गई है वो गाड़ी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार है, उनका पता नहीं है, क्योंकि LNT के कर्मचारी है वो भी नहीं सुनाई करते हैं। तो भाई ये जो सड़कें ब्रेकिंग कर रहे हैं और पाइप वगैरह डाल रहे हैं, तो सड़कों पे जो मिट्टी जो है वो भी नहीं साफ कर रहे हैं, ऐसे कैसी सड़कें वापस छोड़ के जा रहे हैं। लगभग सड़कें ऐसी है और सड़कों में जो निर्माण कर रहे हैं वो भी घटिया स्तर का कर रहे हैं ये। और ये जो किसी भी गली में काम करते हैं तो उसमें पूरे रास्ते को ब्लॉक न करते हुए और ऐसे ही काम करते रहते हैं, उससे ये जनहानि हो गई।